ऐतिहासिक अधिवेशन कांग्रेस का, जिसका अपना एक शानदार इतिहास रहा है, देश की आजादी के लिए कुर्बानी का, त्याग का, बलिदान का लंबा इतिहास रहा। महात्मा गांधी के सानिध्य में बड़े बड़े नेता कैसे जेल गए थे सबको मालूम है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार पटेल हो, मौलाना अबू कलाम आजाद साहब हो, अंबेडकर साहब ने बना दिया संविधान, जिसकी चर्चा भी प्रियंका जी कर रही थी आपसे। शानदार संविधान बना, उसकी रक्षा करने का भार आज वर्तमान पीढ़ी पर है। जो फांसी की ताकतें बैठी हुई है दिल्ली के अंदर, धज्जियां उड़ा रही है लोकतंत्र की, संविधान की, पूरा मुल्क चिंतित है, क्योंकि तनाव का माहौल है, हिंसा का माहौल है, जिसके लिए राहुल गांधी जी निकल पड़े बाढ़ जोड़ो यात्रा के अंदर। महंगाई की मार सबको मालूम है, मुद्दा बड़ा था, बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा है, और राहुल गांधी चाहते क्या है? देश में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, शांति, सद्भाव रहे, हिंसा नहीं हो, ये मुद्दा था, और अमीर गरीबी खाई नहीं बढ़े, चारों मुद्दे में सब बातें आ जाती है वर्तमान स्थिति के बारे में। कितने पत्रकार, साहित्यकार, लेखक जेल में बैठे हुए हैं बिना कोई कारण के, ये लोकतंत्र है। आलोचना करो तो आप देशद्रोही हो, ये हालात बन गए देश के अंदर। तो हमें आप सोच सकते हैं कि जो हालात बने हैं, इनकम टैक्स, सीबीआई, आज सबकी जबान पे आ गया है। किस प्रकार से बदले लेने की भावना से पूरे मुल्क के अंदर चुनाव होते हैं, जहां पर उसके पहले इनकम टैक्स पहुंच जाती है, ईडी पहुंच जाती है, सीबीआई पहुंच जाती है। ये लोकतंत्र है, जुडिशियल दबाव पे काम कर रही है। जहां जुडिशियल दबाव में काम करेगी वहां लोकतंत्र बचेगा। इनकम दबाव में काम कर रहा है, आप देख लिया अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ। तो हालात बड़े गंभीर है। लोग याद करते हैं यूपी गवर्नमेंट को, जब सोनिया गांधी जी ने दो बार सरकार बनवाई, यूपीए की गवर्नमेंट, खुद प्रधानमंत्री नहीं बनी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया चेयरपर्सन के रूप में, और मनमोहन सिंह जी मिलके जो पहली बार कानून बना के जो अधिकार आधारित युग की शुरुआत करी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, मनरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट, फॉरेस्ट का एक्ट, एक क्रांतिकारी कदम है, जहां पार्लियामेंट में कानून बना के प्रदेशवासियों को, देशवासियों को अधिकार दिए गए। आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है, क्योंकि आपका प्रदेश भी आदिवासियों से संबंध रखता है। तो जो छत्तीसगढ़ का इतिहास रहा है शानदार, आजादी के पहले का भी और आजादी के बाद का भी, किस प्रकार आपके यहाँ के फ्रीडम फाइटर हो, जमाने चंद्रशेखर आजाद हो, रविशंकर शुक्ला हो, और जो बड़े बड़े रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, बड़े बड़े आपके आगे वेद नारायण सिंह जी, उन्नू दौड़ जी, कितने बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर भी हुए हैं, उनके नाम का नगर बसा करके भूपेश बघेल जी ने जिस प्रकार से एक शानदार आयोजन किया, आपके छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंदर कांग्रेस पार्टी का महाधिवेशन होना, मैं समझता हूँ इतिहास में लिखा जाएगा स्वर्णिम अक्षरों के अंदर। आप सब भागीदार बन रहे हो, यह आज आपका आना कोई मामूली बात नहीं है, ये मामूली पब्लिक मीटिंग नहीं है, ये महाधिवेशन के साथ में जो मीटिंग होती है, इतिहास बनाती है, उस मीटिंग में आप लोग पधारे हो, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। और पूरे प्रदेशवासियों को, हम सब जो आए बाढ़ से, हम सब मुबारकबाद देते हैं, बधाई देते हैं कि आपके प्रदेश ने, आपके मुख्यमंत्री जी ने, आपके प्रदेश के अध्यक्ष जी ने, और सब ने मिलकर के जो शानदार अधिवेशन
बुलाया और जो कामयाब किया उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं तमाम साथियों की तरफ से। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ खाली मैं तय कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी हम लोग साथ साथ मुख्यमंत्री बने हैं। राहुल गांधी जी ने कैंपेन किया था राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ के अंदर, और जो वादे किए थे राहुल गांधी जी ने उनको तीनों सरकारों ने निभाया, चाहे कर्जा माफी का हो, चाहे मैनिफेस्टो में हमने लिखा जन घोषणा पत्र में वादे हो। 5 साल का इतिहास गवाह है कि हमारी दोनों सरकारों ने जिस प्रकार निभाया है। भूपेश बघेल साहब ने नवाचार भी बहुत किए यहाँ पर जो आपके जहन में है। दुर्भाग्य से सरकार चली गई हमारी मध्य प्रदेश की, ये फासी ताकतों का नमूना है। एक नया मॉडल लेके आए हैं ये लोग, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, चुनी सरकारों को कैसे हॉर्स ट्रेडिंग करके गिराए हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, और गोवा की मणिपुर की घटना भी आपको मालूम है। राजस्थान में हम लोग बच गए, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी सरकार गिराने के अंदर, आप सोच सकते हैं। और छत्तीसगढ़ में उनकी हिम्मत नहीं हुई थी तो आप सोच सकते हैं किस प्रकार का एक शासन करने वाले लोग बैठे हुए हैं। खतरनाक माहौल है देश के अंदर, प्रदेशवासियों को देशवासियों को समझ निकाल सकता है और समझना जरूरी भी है, समझना बहुत जरूरी भी है। आप समझेंगे तभी इनको सबक मिलेगा। और ये हमें गर्व है कहते हुए, ये वोटों का अधिकार, ये माई बाप बनाए पब्लिक को, ये बनाया है कांग्रेस ने, बनाया है महात्मा गांधी ने, उस वक्त के जो हमारे नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और भी कई नेता थे, और अमेरिका के संविधान साहब के कारण आज लोकतंत्र यहाँ बनाए नहीं है, संविधान बनाए नहीं है बल्कि कायम रहा है। पाकिस्तान हमारे साथ आजाद हुआ था, बार बार सैनिकों का शासन, बंदूकों का राज हुआ वहां पर, यहाँ 75 साल हो गए हैं। मोदी जी जैसे आदमी कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या साल में, अरे कांग्रेस ने अगर लोकतंत्र जिंदा नहीं रखा होता कैसे प्रधानमंत्री बनते आप। इसलिए ऐसी फासिस्ट सोच वाले लोग बैठे हुए हैं, ऐसे सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोग बैठे हुए हैं,